आज हम लोग सब यहाँ पे जो खड़े हुए हैं बड़ा मालवनी के अंदर, सभी संगठन और सभी पक्ष के लोग यहाँ पे खड़े हैं सिर्फ एक पक्ष का विरोध करके, वो है भारतीय जनता पार्टी। आप लोग देख रहे हैं कि मणिपुर के अंदर जो हादसा एक बहन के साथ हो रहा है, दो बहनों के साथ कैसे आदमी लोग का जुलूस लेके एक औरत को अर्धनंगी हालत में उसके जिस्म को हाथ लगाया जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ से उसको ग्रुप बना के लाया जा रहा है बीच बाजार में और कहाँ लेके जाया जा रहा है, ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। हमने तो सिर्फ एक फोटो देखा तो हमारी जान अंदर से जल गई, क्योंकि हम बहनें, हम महिलाएं ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो हादसा हुआ है, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, ये देश में बड़ी बड़ी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आने से पहले कहती थी कि महिलाओं के सम्मान में सब कुछ होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी को पैदा करेंगे और तुम लोग नोचोगे बेटी को? ये नहीं चलेगा। आज मलाड मालवनी मुंबई में हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और ये जवाब देंगे आने वाले 2024 में कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा उसको हम सत्ताधारी पार्टी में नहीं लाएंगे। क्योंकि आप मेरी बहनें ये जोश में आ चुकी है, क्योंकि बहनों की इज्जत बहुत बड़ी होती है। सबके घर में माँ बहन बेटी है, हर किसी को पैदा किया है एक माँ ने, तो उस माँ की फिक्र रखते हुए अब वोट डालना और ख्याल रखना कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी को सीट से उखाड़ के फेंकना है। क्यों नरेंद्र मोदी का मुंह क्यों बंद है, क्यों प्रधानमंत्री का मुंह बंद है? महिलाओं की सुरक्षा की बात करते, किधर है सुरक्षा? बता दे हमें मणिपुर में सुरक्षा किधर है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या? वहाँ का मुख्यमंत्री क्यों चुप है? मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और वहाँ पे सीबीआई जांच बिठाना चाहिए इस केस में। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में मेरे मालवनी के लोगों को, और जहाँ तक मेरी सोशल मीडिया से आवाज जाती है, मैं उन सबको कहना चाहती हूँ, आप मेरी बहने उठे और होश में आए और महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं की इज्जत को लेकर वोट दें। क्योंकि आपको इज्जत लूटने नहीं देंगे हम। हम बहने उतरी है सड़कों पे तो इतना बड़ा अत्याचार अब हम नहीं सहेंगे। जो भी अलायंस कर रही है